गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम एक नए टॉपिक के साथ आ रहे हैं, एक नए चैप्टर के साथ आ रहे हैं। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसके बिना समझना बहुत ही मुश्किल। अगर किसी को केमिस्ट्री सीखना है तो उसे दो बेसिक टॉपिक ध्यान में रखने होते हैं। एक तो होता है मॉक पीरियोडिसिटी, जो पीरियोडिक टेबल जिसमें कह रहे हो तुम, और दूसरा जो होता है तुम्हारा केमिकल बॉन्डिंग। तो हम दूसरे टॉपिक पे बात करें, केमिकल बॉन्डिंग के ऊपर। इस चैप्टर के अंदर मुझे ये पढ़ना है कि केमिकल बॉन्ड बनते क्यों है, केमिकल बॉन्ड होता क्या है, कितने टाइप्स के केमिकल बॉन्ड होते हैं, और ये जो केमिकल बॉन्ड्स बनने के बाद जो एटम या मॉलिक्यूल्स आपस में ज्वाइंट होता है, वो ज्वाइंट होते किस लिए, क्या कारण होता है उसका। इसके अलावा हम कंपाउंड की प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे, कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी, उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, उसके डायपोल मोमेंट्स कितने होंगे, बॉन्ड लेंथ क्या होगा, बॉन्ड एंगल क्या होगा, बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, ये सारी चीजों के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। जब भी हम ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक चैप्टर पढ़ते हैं तो उस चैप्टर में मुझे हर जगह क्या होते हैं कि बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, उसकी स्टेबिलिटी, उसकी एनर्जी, ये सारी चीजों पर बात होती है। तो अगर ये चैप्टर को हम सही नहीं करते हैं तो शायद हमारा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक उतने अच्छे नहीं हो सकते और हमें रखने पड़ सकते। देखो, ये चैप्टर तो पूरा का पूरा थ्योरेटिकल है, बट कोशिश होगा हम इसे बहुत हद तक कोशिश करेंगे कि इसे मैथमेटिकल बनाया जाए, क्योंकि मैथमेटिकल चीज़ें मुझे ज़्यादा समझ में आती है। इस कारण से हम कोशिश करेंगे इसमें ज़्यादातर टॉपिक्स को मैथमेटिकल बनाने के। ऐसे तो नॉर्मली ये देखा जाए तो ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है जिसमें ये थ्योरेटिकल्स। तो चलो स्टार्ट करते टॉपिक्स को, जिसमें सबसे पहला टॉपिक तेरे पास जो केमिकल बॉन्डिंग है। ये बॉन्ड होता है क्या, बॉन्ड क्या है, एक अट्रैक्शन फोर्स। जैसे सिंपल सा सोचो, हमारा जो बॉन्ड है वो स्टूडेंट के साथ एक क्या है, एक अट्रैक्शन है ना। अगर तुम्हें सीखना है तो मेरे पास आते हो, अगर हमें क्या है कि हमारे तुम्हारे प्रति अट्रैक्शन है, हमें तुम्हें सिखाने की जरूरत है, हम तुम्हें सिखाते हैं, तुम सीखने के बाद, ये एक बॉन्डिंग। तुम्हारा तुम्हारे पेरेंट्स के साथ क्या है, एक अट्रैक्शन है ना। जहां से क्या होता है कि तुम अगर किसी क्लास कर रहे हो, कहीं क्लास में छुट्टी होती है, तुरंत अपने पेरेंट्स के पास आते हो, अपने घर जाते हो, जहां पर तेरी एक अट्रैक्शन, एक बॉन्डिंग है ना। उसी तरीके से तुम्हें क्या होगा कि केमिकल्स के अंदर भी जब आपस में जुड़ते हैं तो उस केमिकल्स के अंदर भी क्या होता है, बॉन्डिंग। तो ये जो बाइंडिंग होता है ना, जब दो एटम्स को हम आपस में जोड़ रहे हैं, दो मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ रहे हैं या आयंस को आपस में जोड़ रहे हैं, तो उसे हम बोलते हैं केमिकल बॉन्ड है ना। एक अट्रैक्शन फोर्स जो दो एटम्स को जोड़ दे, दो मॉलिक्यूल्स को जोड़ दे। सिर्फ ऐसा नहीं कि एटम जुड़ेंगे, मॉलिक्यूल्स भी आपस में जोड़ते हैं, आयंस भी आपस में जोड़ते हैं। तो जब जिसको क्या करे, जोड़ने की काम करे, वो एक अट्रैक्शन फोर्स को हम बोलेंगे केमिकल बॉन्ड। तो सबसे पहले अगर देखा जाए, कोई हमसे पूछता है कि सर केमिकल बॉन्ड है क्या, केमिकल बॉन्ड है क्या, तो केमिकल बॉन्ड है एक अट्रैक्शन फोर्स है ना। वो अट्रैक्शन फोर्स जो क्या करेगा, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस को बाइंड करेगा। तो लिखेंगे द अट्रैक्शन फोर्स, द अट्रैक्शन फोर्स विच हेम्स इन वाइंडिंग ऑफ एटम, मॉलिक्यूल या आयंस, एटम, मॉलिक्यूल्स या आयंस किसी को भी आपस में अगर जोड़ देता है तो उसे हम क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्ड कहते हैं। इस केमिकल बॉन्ड के अंदर मुझे पढ़ना क्या क्या, इस चैप्टर में मुझे क्या 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 पढ़ना होगा, जिसमें सबसे पहले देखो जो हमारी सिलेबस है, इसमें हमारी कोशिश होगी पढ़ाने का सबसे पहला टाइप्स ऑफ बॉन्ड, या इसी को कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बॉन्ड। दूसरा ये बताएंगे कि सर नेचर ऑफ बॉन्ड क्या है, कौन से बॉन्ड में पोलर है, नॉन पोलर है, डायपोल कौन शो कर पाएगा, कौन शो नहीं कर पाएगा, ये बताएंगे नेचर ऑफ बॉन्ड। इसके बाद हम इसमें बात करेंगे कि सर इसका प्रॉपर्टी ऑफ बॉन्ड है ना, इस बॉन्ड का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें। तो इसमें हम पढ़ते हैं क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बॉन्ड ये पढ़ेंगे। इसके बाद इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसके अलावा इसमें सॉल्युबिलिटी और भी बहुत से तरीके का कैरेक्टर्स को हम यहाँ पर बातें करेंगे। अगर हम इस चैप्टर को अच्छा करेंगे
तो मुझे एस बंगोक पी बंगोक संगमिति ये सारी चीजें जो पढ़ना होगा मुझे वो बहुत ही ज्यादा बेहतर हो जाएगा। मतलब उस चैप्टर को हमें क्या होगा अलग से पढ़ने की जरूरत उतना नहीं पड़ेगी अगर हम इस केमिकल बॉन्डिंग को अच्छे कर रहे थे। तो देखो अगर हम इसमें सबसे पहले बात करें जहां से टाइप्स ऑफ बॉन्ड या उसी को कहते हैं क्या क्लासिफिकेशन ऑफ बॉन्ड। तो अगर क्लासिफिकेशन ऑफ बॉन्ड की बात करें तो बॉन्ड की जो क्लासिफिकेशन है ये हम दो टाइप से कर पाते हैं, इसकी स्ट्रेंथ के आधार, ये कितने स्ट्रांग है उस बेस पे हम यहां से क्या कहते हैं दो क्लासिफिकेशन करते हैं। एक मेरा होता है स्ट्रांग बॉन्ड, एक होता है मेरा स्ट्रांग बॉन्ड और दूसरा होता है वीक बॉन्ड। एक स्ट्रांग बॉन्ड है दूसरा क्या मेरा वीक बॉन्ड। स्ट्रांग बॉन्ड क्या होती है कि अगर मान लीजिए हम दो को जोड़ रहे हैं आपस में तो जोड़ने में जो एनर्जी खर्च होगा, जैसे अगर सोचो हम सिंपल सा दिखाते हैं तुम्हें, मान लो ये मेरे पास दो एटम्स है ना, ये दो एटम्स है। अब जब इस दो एटम्स के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स हुआ तो ये आपस में जुड़ेगा, जब ये एटम्स आपस में जुड़ेंगे तो जुड़ने में जो एनर्जी यहाँ पर खर्च करना पड़ा, जो हमने लगाया इस पर एनर्जी, वो मुझे कह रहा था बॉन्ड एनर्जी। वो क्या कह रहा था मुझे बॉन्ड एनर्जी। तो अगर हम किसी बॉन्ड को बनाने में मुझे बॉन्ड एनर्जी जो है वो ग्रेटर देन अगर 42 किलो जूल पर मूंग से लग जाता है, एक मूंग बॉन्ड बनाने में अगर 42 किलो जूल से ज्यादा एनर्जी अगर लग जाती है तो हम उसे कैटेगराइज करते हैं किसमें स्ट्रांग बॉन्ड के अंदर। लेकिन अगर मेरे पास क्या होता है कि बॉन्ड एनर्जी लेस देन अगर 42 किलो जूल पर मूंग लगती है ना, एक मूंग बॉन्ड बनाने में अगर 42 किलो जूल से कम एनर्जी लगती है तो हम उसे बोलते हैं वीक बॉन्ड। बिग ये देखोगे इस स्ट्रांग बॉन्ड के अंदर भी कई बॉन्ड्स हैं, जिसमें सबसे पहला जो बॉन्ड मुझे पढ़ना है वो होता है सर आयोनिक बॉन्ड, या इसी को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड या इसी को क्या कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है ना। दूसरा जो मेरे पास आता है वो इसमें पढ़ने के लिए वो आते हैं सर कोवैलेंट बॉन्ड, और उसके बाद जो मुझे पढ़ने के लिए मिलता है वो इसमें मिलता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और इसके बाद जो मुझे आता है वो है कि मेटालिक बॉन्ड। तो ये चार बॉन्ड जो है मेरे सिलेबस में क्या है स्ट्रांग बॉन्ड के अंदर। देखो केमिकल बॉन्ड इतने बड़े चैप्टर हैं कि अगर हम इसे क्या करें दो महीना भी पढ़ाएं तो ये टॉपिक खत्म होने वाला नहीं है। लेकिन हमारी कोशिश होगी कि सर 10 से 12 लेक्चर में हम इस टॉपिक को क्या करें कवर अप करें, हाँ ना, पूरे कंप्लीट करें। कोशिश होगी कि हर एक बॉन्ड का डिटेल में बात करें, बट हमारे क्या होगा जो हमारे सिलेबस जितने डिमांड करती है उस अनुसार से हम इसकी बातें करें। अगर इसे बिग बॉन्ड की बात करें तो बिग बॉन्ड को भी हम दो कैटेगरी में बांटते हैं। देखो बिग बॉन्ड को भी हम दो कैटेगरी में बांटते हैं, एक होता है मेरे पास हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड जिसकी जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो लगभग 8 से 42 किलो जूल पर मोल के पास होती है, है ना, 8 से लेकर के 42 किलो जूल पर मोल के पास होता है, उसे हम बोलते हैं क्या हाइड्रोजन बॉन्ड। इसके अलावा जो मेरा एक और बिग बॉन्ड है इसको थोड़ा सा हम ऊपर से लेते हैं, यहां से देखना ये जो क्या जिसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होती है कि सर 8 किलो जूल पर मोल से भी कम होती है, 8 किलो जूल पर मोल से भी बॉन्ड एनर्जी अगर जिसका कम होता है वो मेरे पास कहा जाते हैं वैन डेर वाल्स फोर्स। लेकिन हम यहाँ पर वैन डेर वाल्स फोर्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम कई फोर्स के अंदर इसकी बात करेंगे। तो हम यहाँ पर देखो लिखते हैं डायपोम डायपोम इंट्रैक्शन की बात करेंगे, और बात करते हैं डायपोम इंड्यूस्ड डायपोम इंट्रैक्शन ये हो जाएगा। फिर इसके बाद कहते हैं इंस्टेंटेनियस डायपोम इंड्यूस्ड डायपोम ये हो जाता है मेरे पास कुछ फोर्स है। फिर आयन डायपोम फोर्स काम करता, आयन डायपोम्स होते हैं। फिर इसके पास क्या होता है आयन इंड्यूस्ड डायपोम होता है, आयन इंड्यूस्ड डायपोम होते हैं। तो ये मेरे पास कई बिग फोर्स है, इसमें से कुछ फोर्सेस को हम वैन डेर वाल्स फोर्स कहते हैं, जो ऊपर का फोर्स है डायपोम 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 इंड्यूस्ड डायपोम,
इंस्टेंटेनियस डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल, ये जो मेरे पास आते हैं इसे हम क्या कहते हैं, वैन डेर वाल्स फोर्स। बाकी उसके नीचे जो है वो क्या है, मेरा विक फोर्सेस। तो कुछ इतने टाइप्स के बॉन्ड मेरे पास पढ़ने होंगे, हम एक एक करके सब पे डिटेल में बात करेंगे। इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये बात करते हैं सर मेरे पास आयनिक मोड्स। इसके पहले हम एक थोड़ा सा और एक पॉइंट लेते हैं, उस पॉइंट में हम बात करते हैं सर कॉज ऑफ बॉन्डिंग, बॉन्ड बनाने के कारण क्या। ये तो क्लासिफिकेशन ऑफ बॉन्ड देखें, लेकिन इसमें हम देखते हैं एक और कि सर पॉइंट देखते हैं कि कॉज ऑफ बॉन्डिंग, बॉन्ड बनाने का रीजन क्या है, उसके पीछे का कारण क्या है ना। तो यहां से देखो हम बात करते हैं सर कॉज ऑफ बॉन्डिंग, कॉज ऑफ बॉन्डिंग क्या है। जैसे इनिशियली देखो, अगर मेरे पास इस गैसेस की बात करें, मेरे पास हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन और रेडॉन, इसको तो जानता ही होगा। इस गैस को हम क्या बोलते हैं, नोवेल गैस या इनर्ट गैस को बोलते हैं। इसे नोवेल गैस या इसको क्या बोलते हैं, इनर्ट गैस। अच्छा, अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन करूं तो देखो यहां पर क्या हो रहा है, 1s2, इसके क्या हो रहे हैं, 1s2, 2s2, 2p6। यहां से क्या हो रहा है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। कॉन्फ़िगरेशन तो आता ही होगा सबको, है ना। इसके बाद अगर यहां से बात करें 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6। अच्छा, इतनी कॉन्फ़िगरेशन में मुझे ये बात पता चलना है कि अगर हीलियम को छोड़ दो, है ना, हीलियम को छोड़ दो, बाकी को तुम देख रहे हो कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, आउटर मोस्ट सेम कौन है इसका, सेकेंड सेम है। इस आउटर मोस्ट सेम में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 6 और 2, 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। यहां भी देखो आउटर मोस्ट 3 में देखो हर ऑर्बिट, ये आउटर मोस्ट सेम है, तो आउटर मोस्ट सेम में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। ऐसे ही देखो इसमें चौथा 4s, ये हो गया, अब 4p, क्योंकि देखो एटम में सबसे बाहर का जो ऑर्बिट होता है, पहला ऑर्बिट, दूसरा, तीसरा, ये हो गया, ये चौथा हो गया, ये जो बाहर का ऑर्बिट होता है वैलेंस में होते हैं। इसमें क्या क्या प्रेजेंट है, 4s2 है, 4p6 है। यहां पर भी देखो आउटर मोस्ट में कितने पूरे हो रहे हैं, 8 पूरे हो रहे। अब ये सारे गैस जिसको हम नोवेल गैस कहते हैं, ये मुझे बचपन से ये बताया गया कि जो नोवेल गैस होता है वो केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है, मतलब वो बॉन्ड नहीं बनाता। और क्यों नहीं बनाता है, क्योंकि वो इनर्ट है और उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, अस्टेबल। तो अस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होने के कारण से वो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करता। तो आइंस्टीन ने ये सोच आया, साइंटिस्टों ने ये सोचा कि जो इनर्ट गैसेस है, इनर्ट गैस के बाहर में देखो हीलियम को छोड़ दो, इसके बाद देखो सबके बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। इसका मतलब है कि जिसके बाहर में 8 इलेक्ट्रॉन आता होगा वो अस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन लेता होगा, और अस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन वाला केमिकल बॉन्डिंग नहीं बनाता। इसका मतलब है कि हर एक एलिमेंट का जो एटम है वो एटम यही चाहता होगा कि हम अपने कॉन्फ़िगरेशन को अस्टेबल करें, अपनी कॉन्फ़िगरेशन अस्टेबल करें। इसका मतलब है कि बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन लेकर के आए, 8 इलेक्ट्रॉन लेकर के। तो ये कॉज ऑफ बॉन्डिंग हो सकते हैं, है ना। कि तो पहला यही सोचा गया, इनिशियली यही सोचा गया, तो इसको हम लिखते हैं इनिशियली थॉट, इनिशियली थॉट दैट दैट इनर्ट एलिमेंट्स कंटेन कंटेन 8 इलेक्ट्रॉन, या इसी को कहा जाता ऑक्टेट, है ना, 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट। इज अस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, अस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन एंड इट नॉट पार्टिसिपेट इन फॉर्मेशन ऑफ बॉन्डिंग, एंड इट नॉट पार्टिसिपेट इन फॉर्मेशन ऑफ बॉन्डिंग। ये क्या करता, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता, यही कारण है। तो कहते हैं सो एनी एटम ऑफ
एलिमेंट्स कैन अटेंड इनर्ट कॉन्फिगरेशन, इनर्ट कॉन्फिगरेशन बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन या लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या करता है, जिस तरीके से पहली सोच ये मुझे आया कि इनर्ट गैस के बाहर में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता, बॉन्ड नहीं बनाता। तो जब वो बॉन्ड नहीं बनाता तो हर एटम ये चाहता होगा, हर एक एलिमेंट का एटम ये चाहता होगा कि मेरे बाहर में 8 इलेक्ट्रॉन अगर हो जाता तो शायद हम बॉन्ड नहीं बनाते, है ना। अब उस 8 इलेक्ट्रॉन के चक्कर में वो क्या करता है, या तो इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देता है या तो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, क्योंकि वो चाहता है कि हमें क्या हो, कि हमें ऑक्टेट कंप्लीट हो, है ना। अगर हम अस्टेबल हो गए तो सोचो, अगर ऐसा कंडीशन है तो जैसे हम एक कंपाउंड की बात करते हैं NaCl का, है ना। अगर हम एक कंपाउंड समझते हैं, मान लो मेरे पास एक NaCl कंपाउंड, तो यहां से देखो NaCl कंपाउंड में क्या होता है कि अगर मान लो यहां पर कौन कौन पार्टिसिपेट किया, सोडियम और क्लोरीन। अगर सोडियम की बात करो तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना, 11। अगर इसकी कॉन्फिगरेशन करते हैं तो देखो 1s2 2s2 2p6 3s1 ऐसा हुआ, है ना। और अगर क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन कितना में, 17 में। इसकी कॉन्फिगरेशन अगर बात करें तो देखो क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। अब तुम देख रहे हो कि अगर ये एलिमेंट, ये जो सोडियम है, अगर अपना एक इलेक्ट्रॉन अगर बाहर से हटा देता है तो ये सोडियम पे क्या हो जाएगा, देखो ऑक्टेट हो जाएगा, है ना। क्योंकि ये बाहर वाला ऑर्बिट से अगर एक इलेक्ट्रॉन हटा देगा तो एक इलेक्ट्रॉन अगर हटाएगा तो इसके अंदर में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। और अगर ये क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता तो देखो अभी 5, 2, 7 है इसके पास, अगर एक इलेक्ट्रॉन ये गेन कर लेता तो इसके भी 8 हो जाएंगे। इसका मतलब है कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। अगर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है अपने बाहर में 8 लाने के लिए, तो सोडियम, अब तो ये पता है कि जो भी इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं उसके ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो सोडियम के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इस पर एक इलेक्ट्रॉन को इसने लॉस किया। अब सोचो यहाँ पर कितना हो गया इसका, 8 बाहर में आ गया। अगर क्लोरीन है तो ये क्लोरीन ने क्या किया, इससे एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया। जब ये क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो इस क्लोरीन पर एक माइनस आ गया। अब ये सोचने वाली बात है कि जब किसने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, दूसरे ने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया, तो ये दोनों एक चार्ज में कन्वर्ट हो गया। ऑक्टेट तो ये कर लिए है, है ना, दोनों के बाहर में ऑक्टेट है, बट वो एक चार्ज मॉलिक्यूल्स, और ये चार्ज के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स काम करते हैं, है ना। जहां पर अपोजिट चार्जेज होती है उस अपोजिट चार्ज के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स काम करता है। उस अट्रैक्शन फोर्स को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं, है ना। तो तुम देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, दो अपोजिट चार्ज के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पर काम कर रहा है। अब ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, ये स्ट्रॉन्ग फोर्स है, एक स्ट्रॉन्ग फोर्स है। तो यहां से देखो ये पॉजिटिव और निगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, और जब ये अट्रैक्ट करेगा तो यहां से ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, है ना। और जब ये जुड़ेगा तो उसे एक इमेजिनरी लाइन से दिखा देंगे, इस इमेजिनरी लाइन को ही हम बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। तो आयोनिक बॉन्ड में क्या होता है कि सर, आयोनिक बॉन्ड उस बॉन्ड को कहते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होता है, है ना। कंप्लीट ट्रांसफर, इसने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, इसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया। तो जहां पर इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होगा उसे हम क्या बोलेंगे, आयोनिक बॉन्ड बोलेंगे। तो यहां तक ये समझ में आ रहा होगा, अगर हम इधर से मिटाएं, इधर हो गया होगा। अगर इसको देखें तो इस कंडीशन पे हम इसको सोच सकते हैं इस तरीके से, देखो इस तरीके से इसको सोच सकते हैं कि जैसे अगर मान लो मुझे एक और कंपाउंड है HCl, ऐसा है। तो HCl अगर देखोगे तो हाइड्रोजन के पास कितने होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन का 1s1। और क्लोरीन के बारे में कितने होते हैं, अभी तो बात किए थे 7 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। अब देखो इसके बाहर में 7 होते हैं। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लुईस, उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को डॉट के रूप में दिखाना शुरू किया, इस रूप दिखाए क्लोरीन इस तरीके से 2, 4, 6 एक साथ। इस स्ट्रक्चर का नाम दिया लुईस डॉट स्ट्रक्चर, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन को किस फॉर्म में दिखा रहा था, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को वो डॉट के रूप में लिख रहे थे, कौन,
मुइस साहब जो थे वो क्या कर रहे थे, न्यूट्रॉन को डॉट के रूप में लिख रहे थे, तो उस स्ट्रक्चर का नाम क्या दिया उन्होंने, मुइस डॉट। अब जब ये मुइस डॉट नाम दिए तो देखो ये हाइड्रोजन अपना क्या करना चाहता। अच्छा हाइड्रोजन जो होता है ना इसके बाहर में एक हो नहीं सकता, बहुत छोटा एटम है, इसके बाहर में एक ही न्यूट्रॉन है, तो ये क्या करता है अपनी इनर्ट कॉन्फिगरेशन हीलियम की तरह बनाना चाहता है। अब हीलियम के बारे में बताओ कितना था, दो था, तो ये भी चाहता है कि हम दो करें, तो ये दोनों के बीच में क्या हो जाता है कि यहाँ से शेयरिंग हो जाता है, हाँ ना, यहाँ पर क्या हो जाता है शेयरिंग हो जाता है। तो जो शेयरिंग करते करने के कारण से जो बॉन्ड बनते हैं ना, इस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं, है ना। तो यहाँ से सोचो यहाँ पर जो तुम्हारा बॉन्ड बना था ये कैसा बॉन्ड बना था, तुम्हारा आयनिक बॉन्ड बना, तो जो इलेक्ट्रॉन का कंपनिक ट्रांसफर या क्या होगा कंपनिक ट्रांसफर के कारण से अगर कोई बॉन्ड बनेगा तो उस बॉन्ड को कहोगे आयनिक बॉन्ड, और अगर कहीं पे इलेक्ट्रॉन शेयर करने के कारण से अगर बॉन्ड बनता है तो उसे हम बोलते हैं क्या, कोवेलेंट बॉन्ड। अब यहाँ पर देखो जब इलेक्ट्रॉन शेयर होती है तो ये हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका ये आ जाता है। अब इस क्लोरीन के देखो बाहर में सिक्स इलेक्ट्रॉन है, दो चार छः ऐसा हो गया, तो ये जब अपना ऑर्बिट में काउंट करेगा तो सिक्स और टू एट काउंट कर लेगा, और जब ये हाइड्रोजन अपने ऑर्बिट में काम काउंट करेगा तो इस तरीके से काउंट कर लेगा, तो हाइड्रोजन के भी दो हो गए और क्लोरीन का भी एट हो गया। तो इस तरीके से जब ये काउंटिंग करता है म्यूचुअल शेयर करता है ना, जितना ये देगा उतना ही ये देगा, तो ये क्या होता है म्यूचुअल शेयर करने के कारण से जो बॉन्ड बनते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। तो यहां से देखो हमने क्या किया, ऑक्टेट ही का तो बात किया, इसने इलेक्ट्रॉन को हाउस गेन करके ऑक्टेट पूरा किया, इसने इलेक्ट्रॉन को शेयर करके ऑक्टेट पूरा किया, मतलब मेन मकसद मेरा क्या होता है, मेन मकसद जो है मेरा वो है ऑक्टेट कंप्लीट करवाना, है ना। क्योंकि इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन पहली जो सोच थी मेरी कि अगर जो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन करेगा उसके पास क्या होंगे, वो बॉन्डिंग बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो मतलब वो स्टेबल होगा। तो हर एलिमेंट क्या करना चाहता है कि इनर्ट करना चाहता है, एट इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता, उसके बीच में ही उसके अट्रैक्शन हो जाते हैं। तो जब एट बॉन्ड पूरा एट इलेक्ट्रॉन पूरा करने के चक्कर में उसे या तो उस पर चार्ज आ जाती है या तो वो शेयर कर लेता है, इसके कारण उसके बीच में एक अट्रैक्शन आ जाती है और उस अट्रैक्शन के कारण से एक बॉन्ड बन जाता है। यहां तो समझ में आ गया। अब एक एक करके हम सारे बॉन्ड्स के बारे में बात करें, जिसमें देखो अगर यहां पर देखे क्वेश्चन की बात करें तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन तुम्हारा आता है वो क्वेश्चन तुम्हारे पास क्या आता है, है ना, वो जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है वो तुम्हारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड से आते हैं। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड से भी ज्यादा क्वेश्चन तुम्हें आयनिक बॉन्ड या फिर मेरे पास क्या आते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड से आते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड या बिग बॉन्ड से तो क्या होते हैं कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड से क्या आते हैं, क्वेश्चन की संख्या ज्यादा होती है ना। इसके कारण से मेरा क्या होता है कि हम उस दोनों पर ज्यादा देखेंगे, आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड। तो सबसे पहले हम बात करें आयनिक बॉन्ड का, देखो हम पहले बात करें आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड क्या है, हमने कहा कि आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं कि बॉन्ड फॉर्म बाय कंप्लीट शेयर ऑफ ए कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। तो बॉन्ड फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होने के कारण से जो बॉन्ड बनता है उसे हम बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। अगर देखो तो अगर इसकी फॉर्मेशन की बात करें कि कौन है जो आयोनिक बॉन्ड बना सकता है, कैसे बनते हैं, तो इसमें दो काम होगा, ट्रांसफर करने का मतलब या तो लॉस या तो गेन, अगर एक लॉस करेगा तो दूसरा गेन करेगा। देखो पूरा इन्वर्स ना न्यूट्रॉन है, इन्वर्स न्यूट्रॉन, तो अगर किसी ने दिया कोई लेगा, अगर मान लो तुम्हारा 10 रुपया गिर गया रोड पे तो कोई तो उठाएगा ही। वैसे ही सोचो एटम में क्या होगा कि अगर किसी ने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है तो सामने से कोई इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला होगा, है ना, इलेक्ट्रॉन कभी वेस्ट नहीं जाएंगे, जितना इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा उतना इलेक्ट्रॉन को गेन करने वाला होगा, तभी लॉस होगा। तो सोचो यहां से क्या करेगा कि फॉर्मेशन में देखें तो जो मेटम होता है ना, मेटम तो जानते हो जिसके बाद में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मेटम क्या करता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, मेटम लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा इस मेटम के ऊपर क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज। अगर पीरियोडिसिटी का थोड़ा नॉलेज है, मतलब पीटी अगर थोड़ा बहुत पढ़े हैं तो ये पता होगा कि सर जो मेटम होते हैं उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, तो जिसकी वो आयनाइजेशन एनर्जी होगा वो जल्दी इलेक्ट्रॉन दे देगा,
तो जितनी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगा तो मो आयोनाइजेशन एनर्जी वाला एलिमेंट क्या होंगे, मो आयोनाइजेशन एनर्जी अगर जिसके पास होगा वो इलेक्ट्रॉन का मास करेगा, और मो आयोनाइजेशन एनर्जी किसके पास होते हैं, मेटल के पास होते हैं, इसलिए मेटल इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, मास करता है, और मेटल के ऊपर क्या जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं। अगर ऐसे ही देखो नॉन मेटल, नॉन मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो इसके ऊपर कौन सी चार्ज आ जाती है, निगेटिव। अच्छा बताओ पीरियोडिसिटी में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखता है ना उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होगी, है ना, जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होगी, तो हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला एटम, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला एटम क्या होते हैं, नॉन मेटल होते हैं, और नॉन मेटल होता है जिसके पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी होती है। तो यहां से क्या हो जाएगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी होगा वहां निगेटिव आ जाएगा। तो सोचो ये जो बॉन्ड बनेंगे तेरे पास वो मेटल और नॉन मेटल के बीच होंगे, है ना। तो आयनिक बॉन्ड पहचानने का जो सबसे बड़ा रीजन होता है ना वो यही होता है, मेटल और नॉन मेटल। तो जो भी बॉन्ड या मेटल और नॉन मेटल के बीच में बन रहा होगा वो मुझे क्या कहा जाएगा, आयनिक बॉन्ड कहा जाएगा, है ना। अब यहां से देखोगे कि सर जो आयनिक बॉन्ड बनेंगे, जैसे हमने अभी एक एग्जाम्पल देखे थे NaCl का, ऐसे ही तुम्हारे पास अगर मान लो CaO देखेंगे या CaCl2 देखेंगे, तो इस तरीके से अगर कंपाउंड्स का देखेंगे, है ना। देखो यहां से अगर हम देखते हैं NaCl तो अभी देखे थे, अगर मान लो हमने यहां से CaCl2 देखा, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 20, कॉन्फिगरेशन करो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। अब देखो इसके बाहर में दो इलेक्ट्रॉन, अगर ये बाहर में दो इलेक्ट्रॉन से तीन इलेक्ट्रॉन को मॉस कर देगा और कैल्शियम कन्वर्ट हो जाएगा कैल्शियम प्लस 2 में, यहां से दो इलेक्ट्रॉन को मॉस करके, पर है ना। बट कुमरीन को देखो, कुमरीन कितना में 17 में, इसको क्या कहते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए था 8 होने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था, है ना, वही इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए था। तो एक कैल्शियम दो इलेक्ट्रॉन को मॉस कर रहा है ना, दो इलेक्ट्रॉन को मॉस कर रहा है, तो ये दो इलेक्ट्रॉन दो कुमरीन मिलकर के क्या करने का, गेन करने का, एक कुमरीन तो नहीं ले सकता क्योंकि एक कुमरीन को एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए था, तो दो कुमरीन मिलकर के टू कुमरीन आएंगे ऐसे लेकर के चले जाएंगे। तो यहां से देखो ये जुड़ जाएगा CaCl2, है ना। तो यहां से तुम्हें क्या होगा कि एक कैल्शियम से दो कुमरीन आपस में जुड़ जाएंगे। ऐसे ही देखो तुम्हारे पास क्या होगा, CaO की बातें कर रहे हैं, यहां तक तो आ गया होगा समझ में। अगर हम CaO की बातें करें, कॉपी करते जाओगे, है ना, कॉपी अच्छे से तैयार करते जाओगे और पढ़ोगे, उस कॉपी को पढ़ोगे, ये चैप्टर अगर मेरे साथ सीक्वेंस, चैप्टर का सीक्वेंस अगर मेरे साथ फॉलो करोगे तो ये चैप्टर क्या होगा, बहुत अच्छा होगा। और जब ये चैप्टर अच्छे हो जाएंगे तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में बॉन्डिंग समझना क्या होगा, आसान होगा, बॉन्ड लाइन ये सब समझना क्या होंगे, आसान हो जाएंगे। तो बहुत अच्छा टॉपिक है, बेसिक टॉपिक है, और ऐसे क्वेश्चन आते ही आते हैं, कोई ऐसी एग्जाम नहीं है जहाँ पर केमिकल बॉन्डिंग से क्वेश्चन आया ना, है ना। क्वेश्चन जब भी बनाए जाते हैं तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग को जरूर ऐड किया जाता है। तो वहां से हम देखेंगे इसमें, अगर यहां से देखो अगर मेरे पास CaO बना रही हूँ तो कैल्शियम फिर वही देखो तुम्हारे पास कितना है, अभी तो देखे थे इसका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, यहां से कितने इलेक्ट्रॉन देगा, दो इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब कैल्शियम कितने प्लस में आ जाएंगे, कैल्शियम प्लस 2 में आ जाएगा। अब ये दो इलेक्ट्रॉन देगा, ऑक्सीजन के चेक करो, ऑक्सीजन 8 में होता है 1s2 2s2 2p4। अब देखो इसको कितना हो गया, बाहर में 6 है, अगर इसमें दो इलेक्ट्रॉन और चाहिए, अगर दो इलेक्ट्रॉन और चाहिए तो इसको दो इलेक्ट्रॉन लेकर के ऑक्सीजन पे -2 में चला जाएगा। अब देखो कैल्शियम पे +2 है, ऑक्सीजन पे -2 है, अपोजिट चार्ज के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, और अट्रैक्शन होगा तो ये क्या होंगे, ये बॉन्ड बनाएंगे। तो ये बात ध्यान देना कि जितना प्लस माइनस है उतना ही बॉन्ड बनेगा, तो इसे यहाँ पे डबल बॉन्ड करेंगे, जितना पॉजिटिव और निगेटिव होगा उतना ही बॉन्ड बनेगा, तो यहाँ पर दो प्लस और दो माइनस है तो यहाँ पर दो बॉन्ड बना देंगे और ये कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा, है ना। तो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ से बात करें आगे का, इसमें हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, ये तो हमने देखा कि सर एक क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का मॉस करेंगे, दूसरा क्या करेंगे,
मटन का गेन करेगा। मर्ज करने वाला कौन होगा? मेटम होगा। गेन करने वाला कौन होगा? नॉन मेटम होगा। अब इसके बीच में चार डेवलप होंगे, चार के कहां से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कहां से अट्रैक्शन होगा और ये आपस में जाकर के जुड़ जाएगा, है ना। अच्छा, इसकी हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो देखो यहां से क्या होता है। अच्छा एक चीज और देखूंगा प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक से पहले एक चीज और देखो, वो है मेरा इलेक्ट्रोवैलेंसी। बचपन में ये सब सारी चीजें तुम लोग को अगर 11th 12th का बच्चा हो तो ये सब चीजें तुम्हें 9th 10th में पढ़ा दी जाती है, है ना। मतलब बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं इस टॉपिक को, है ना। बहुत बच्चे को यहाँ से क्या होगा कि लेक्चर्स में नहीं है कि सर बहुत छोटे छोटे चीजें बता रहे हैं, तो ये आता है मुझे, हो सकता है आता है तुम्हें आता होगा और कुछ बच्चों को नहीं आता होगा, है ना। इसमें हम यहाँ से बेसिक उठाएं, आप आराम से लेक्चर देखते जाएं, सिक्वेंस फॉलो करते जाएं, क्या होगा तुम्हें कि चैप्टर अच्छे होते जाएंगे, है ना। तो इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होता है? इलेक्ट्रोवैलेंसी होता है कि कोई एटम आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के समय जितना इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन करता है, है ना, जितने इलेक्ट्रॉन उसने लॉस या गेन करते हैं वो उसका इलेक्ट्रोवैलेंसी का होता है। तो कह सकते हैं कि सर ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन बाय एन एटम, लॉस और गेन बाय एन एटम, एक एटम जितने इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन करता है, क्या करने के लिए? स्टेबिलिटी करने के लिए, ऑक्टेट इन क्या करने के लिए, पूरा करने के लिए, जितने इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन करता है या फिर जब आयनिक बॉन्ड बनती है उस समय जितने इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन होता है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी। जैसे अभी हमने NaCl बनाया था, सोडियम का इलेक्ट्रोवैलेंसी कितना था? सोडियम देखो, सोडियम पंगस में बना था तो सोडियम सोडियम पंगस में गया, एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया था इसने, इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी 1 हो गया। अगर कैल्शियम बनाए हमने, कैल्शियम पंगस 2 बनाए तो कैल्शियम पे क्या हुआ था, कैल्शियम को कैल्शियम पंगस 2 में कन्वर्ट किया, इसने 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, इसका कोवैलेंसी कितना, इलेक्ट्रोवैलेंसी कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अगर क्लोरीन है तो क्लोरीन देखो माइनस में गया था, क्लोरीन कन्वर्ट हुआ था किसमें? एक माइनस में, इसके इलेक्ट्रोवैलेंसी कितना होगा? 1, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया। तो यहां पर इलेक्ट्रोवैलेंसी अगर देखें इलेक्ट्रोवैलेंसी की बात करें तो इसका 1 हो गया, इसका 2 हो गया, इसका भी 1 हो जाएगा। यहां से एक इलेक्ट्रॉन को इसने क्या किया था? गेन किया था। ऐसे ही ऑक्सीजन अगर 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो ऑक्सीजन पर माइनस 2 हो जाएगा और इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी भी 2 हो जाएगी। तो इस तरीके से जितने इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन कोई करेगा उसका क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोवैलेंसी हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट हम अगर बात करें यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक बॉन्ड, आयन बॉन्ड का क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं, है ना, या आयनिक बॉन्ड को या जिस कंपाउंड में आयनिक बॉन्ड बनते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। तो आयनिक कंपाउंड या आयनिक मेरे पास जो बॉन्ड बनेंगे उसके क्या कैरेक्टर्स होगा, है ना। तो लिखते हैं यहां से, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड। अच्छा देखो इसमें क्या होता है कि एक मेटम आयन है इस तरीके से, अब ये मेटम आयन बहुत सारे फैला हुआ है इसके, अब इसके आसपास अगर नेगेटिव आयन को छिड़क दिया जाए, मतलब नेगेटिव आयन को माया जाए, तो ये क्या हो सकता है? इधर से इधर से इधर से मान लो नेगेटिव आयन इसमें क्या किया गया? मार के छोड़ दिया गया यहाँ से इस तरीके से, तो ये पॉजिटिव के साथ ये नेगेटिव क्या होंगे? अट्रैक्ट हो जाएंगे, है ना। इस पॉजिटिव के साथ नेगेटिव क्या हो जाएगा? अट्रैक्ट हो जाएगा। अब एक चार्ज को अगर मेरे पास मान लो ये सोडियम आयन है, ये जो चौक है, अगर ये सोडियम है इसके तरफ नेगेटिव आएंगे, ये पॉजिटिव है, इसके तरफ नेगेटिव कहीं से भी आएगा तो सबको ये क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। इसलिए इस बॉन्ड को ना कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होता, इसलिए इस कंपाउंड को क्या कहा जाता है? नॉन डायरेक्शनल कंपाउंड कहा जाता है, क्योंकि जहां पर एक पॉजिटिव चार्ज होंगे उसके चारों तरफ नेगेटिव क्या करेगा? उसको सराउंड करेगा। तो अब किस डायरेक्शन से आएगा ये मुझे नहीं पता, किस एक्सिस से आएगा ये मुझे नहीं पता, जिधर से भी आएगा वो अट्रैक्ट हो जाएगा। इस कारण से इसको हम क्या बोलेंगे? नॉन डायरेक्शनल कंपाउंड्स बोलेंगे, है ना। क्या हो जाएगा? ये नॉन डायरेक्शनल होगा। अच्छा इसके बीच में क्या करें? स्ट्रॉन्ग फोर्स काम कर रहा है ना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रहा है। तो जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रहा है तो उसके बीच में क्या होंगे?
इससे अट्रैक्शन ज्यादा होगा और पार्किंग के बीच में जो होल्डिंग कैपेसिटी, जो बाइंडिंग कैपेसिटी, बांध के रखने की जो क्षमता है वो ज्यादा होगी, है ना। तो यहां से क्या होगा, नॉन डायरेक्शनल होगा बाइंडिंग कैपेसिटी या फिर तो स्ट्रॉन्ग फोर्स काम कर रहा है इसमें। अब जब स्ट्रॉन्ग फोर्स होंगे तो पार्किंग काफी क्लोज आ जाएगा, तो ये क्या बनेगा, क्रिस्टलाइन फॉर्म में बनेगा। किस स्ट्रक्चर में आएगा, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में आएगा। अब ये जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है इसी को क्लोज्ड पैक भी कहा जाता है। और ये याद होगा कि जो भी क्रिस्टलाइन में आता है, है ना, वो सॉलिड स्टेट होता है। जनरली इसके कंपाउंड जो होते हैं वो सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि यूजुअली प्रेजेंट इन सॉलिड फॉर्म, यूजुअली प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट। जनरली ये क्या होते हैं, सॉलिड स्टेट में ये प्रेजेंट होता है। साथ में ये कंपाउंड हार्ड होगा क्योंकि ये एक दूसरे के नजदीक आया है, नजदीक आने के कारण से ये कंपाउंड्स थोड़ा क्या हो जाएंगे, हार्ड हो जाएंगे, है ना। ये कंपाउंड थोड़ा सा क्या होगा, हार्ड एंड ब्रिटल हो जाएंगे। तो यहां से देखोगे हार्ड हो जाएगा एंड ब्रिटल इसको कहते हैं, क्या जाएगा तुम्हारा, हार्ड एंड ब्रिटल। तो नॉन डायरेक्शनल है, स्ट्रॉन्ग फोर्स बनता है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर शो करता है। यूजुअली ये क्या होता है, मैपर सॉलिड स्टेट में होते हैं, ये हार्ड एंड ब्रिटल होता है। और भी देखोगे, और भी कुछ इसकी प्रॉपर्टी देखने, तो इसके मोंटेन स्टेट और इसका जो लिक्विड फॉर्म होता है, मतलब इसका एक्वस या मोंटेन स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस या मोंटेन स्टेट, एक्वस या मोंटेन स्टेट। तो जैसे अगर मान लो मेरे पास NaCl है, अगर इसका एक्वस बनाते हैं ना, तो इसको वाटर का सॉल्यूशन बना देंगे, और जब वाटर सॉल्यूशन वाटर में डाल देंगे तो ये क्या बन जाता है, Na++Cl- बन जाता है। अब ये Na++Cl- चार्ज पार्टिकल है, तो चार्ज पार्टिकल रहने के कारण से ये क्या करेगा, इसका चार्ज पार्टिकल रहने के कारण से ये तुम्हारे पास तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। ऐसा ही अगर तुम सोचो कि तेरे पास अगर इसको मोंटेन, देखो नमक को तो मोंटेन कराना बहुत मुश्किल है, हम अपने घर में नहीं करवा सकते क्योंकि हमारी जो MPG गैस है वो इतनी हीट तो नहीं देगा कि हम नमक को पिघला देंगे। लेकिन अगर नमक को हाई टेम्परेचर पर क्या किया जाता है, मेल्ट करवाया जाता है, तो जब मोंटेन स्टेट में लाए जाते हैं तो ये तो भी इसके आयंस फ्री हो जाते हैं, है ना, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर करके बना था, तो इसके आयन क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। और जब इसके आयन फ्री हो जाएगा तो वैसे कंडीशन भी इलेक्ट्रिसिटी को ये कंडक्ट कर सकता है। और साथ में अगर देखेंगे तो इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी काफी ज्यादा होगा क्योंकि इसके बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो हाई MP एंड BP काम पे। तो ये कुछ मेरे पास क्या है कि आयनिक बॉन्ड से रिलेटेड बात है। अच्छा, आयनिक बॉन्ड के बारे में हम और भी आगे डिटेल बात करेंगे, इसके बाद हम थोड़ा सा कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते हैं। आयनिक बॉन्ड तब पढ़ेंगे जब हमें कोवेलेंट बॉन्ड की जानकारी हो जाएगी, तब वहां पर पढ़ेंगे कि इसे यहां से क्या होता है कि हर कोवेलेंट बॉन्ड में कुछ ना कुछ आयनिक करेक्टर होते हैं, क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे फैजान्स रूल, जहां पर बताया जाएगा कि कोई नेगेटिव चार्ज पार्किंग होता है जो बड़ा होता है, पॉजिटिव चार्ज पार्किंग जो होते हैं वो छोटे होते हैं, उसके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स काम करता है, तो थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन का इधर उधर ट्रांसफर हो जाता है, उसके कारण से कोवेलेंट कंपाउंड में भी क्या होते हैं, आयनिक कैरेक्टर आते हैं। तो ये सिंपल सा छोटा सा एक टॉपिक हमने क्या किया, आयनिक बॉन्ड के बात किया। जब हम आप आगे देखते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, उस कोवेलेंट बॉन्ड के बाद हम बात करेंगे कि सर मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो बॉन्डिंग होगी उस पर बात करेंगे, है ना, और उसकी प्रॉपर्टी पर बात करेंगे। तो थोड़ा सा हम यहाँ पर देखते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, ये सारी चीजें तुम्हें पढ़ाया जाता है 9th-10th में, है ना, तो ये चीजें तुम्हें क्या हो सकती है, वहां से समझ आ सकती है, या फिर बहुत सारे बच्चों का ये पढ़ा हुआ भी होगा, और बहुत सारे बच्चे इसके क्या होंगे, नहीं पढ़े होंगे, तो बट हमें तो देखना है, सबको देखना, इसलिए नगेर है, है ना। देखते दूसरा कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें तो यहां पर हमने भी बोला था कि बॉन्ड फॉर्म जो होता है वो म्यूचुअल शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण से होता है। तो द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम
बिटवीन टू एटम्स, दो एटम्स के बीच में जो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसे हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे अगर हमने अभी बात किया था HCl के बारे में, या अच्छा HF इस बार बात कर लेते हैं, हाइड्रोजन के बाहर में एक इलेक्ट्रॉन होता तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दिए, फ्लोरीन कितना होता है 9 में ना, तो 2-7 ऐसे भी तो कॉन्फिगरेशन आता था उनको, तो यहाँ से क्या करते हैं 7 इलेक्ट्रॉन देते हैं, 2, 4, 6 एक साथ, जब ये बॉन्ड बनाता है तो इसके बीच में एक रिप्पल ऐसा होते हैं और ये बना लेता है HF इस तरीके से। तो यहाँ से जो को इसका भी ऑक्टेट हो गया है ना, यहाँ भी ऑक्टेट हो गया इस तरीके से, और हाइड्रोजन का ड्यूट पूरा करता है, हाइड्रोजन हीलियम की तरह बनना चाहता है तो इसको ड्यूट पूरा करता है। अगर बात करें NH3 का, अमोनिया जिसे कहते हैं, ये NH3 के बाहर में बताओ नाइट्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाइट्रोजन 7 में, तो यहाँ पर तुम्हारा 1s2, 2s2 और यहाँ क्या होता है तुम्हारा 2p3 होता है। तो यहाँ पर देखो बाहर में जो इलेक्ट्रॉन है वो 5 है, अब ये 5 इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से दिखा, इस तरीके से 5 इलेक्ट्रॉन दिखा दिया, दिख रहा है क्या? अब यहां से देखोगे जो हाइड्रोजन है ये 1 है तेरे पास, यहां 1s1 है, अब हाइड्रोजन के बाद में तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसके साथ 3 हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, तो तीनों के बीच में यहां से दिखा दो, तो देखो यहां से क्या हो रहा है, एक बॉन्ड बन रहा है, यहां से एक बॉन्ड बन रहा है, यहां से एक बॉन्ड बन रहा है, और ये एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तुम्हारा बच गया। तो देखो इसका 5 इसके साथ देखो तो 8 पूरा हुआ कि नहीं हुआ, तो इसको देखो इस तरीके से कि नाइट्रोजन 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 यहां पर आ गया इस तरीके से, हाइड्रोजन का तो 2-2 पूरा हो गया, हाइड्रोजन का तो क्या हो गया 2-2 पूरा हो गया ये, लेकिन नाइट्रोजन का कितना हो गया 8 पूरा हो गया है ना, नाइट्रोजन का 8 पूरा हो गया। तो हाइड्रोजन तो 2 ही बनना चाहता ना हीलियम की तरह, बेचारा बहुत छोटा है एलिमेंट, कितना इलेक्ट्रॉन रखेगा ज्यादा है ना, तो उसके पास क्या होती है, उसके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन में वो स्टेबल हो जाता है। बट नाइट्रोजन को देखो तो नाइट्रोजन कितना रखे हुए 8 रखे हुए, लेकिन इसमें से देखोगे कि ये जो बॉन्ड पेयर, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसने बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट किया इसे बोलते हैं बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, इसे क्या बोलते हैं बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, और जो एक पेयर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं बनाया है इसे हम बोलते हैं लोन पेयर, इसे क्या बोलते हैं लोन पेयर। तो वो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करता है उसे बॉन्ड पेयर कहते हैं, और जो बॉन्ड क्या करता है सॉरी बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करता है उसे लोन पेयर कहते हैं, और जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट किया जाता है उसे बॉन्ड पेयर कहते हैं। तो देखो यहां से बात करें तो उसे बॉन्ड पेयर किसको कहते हैं और लोन पेयर किसको कहते हैं, तो बॉन्ड पेयर जो होगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच पार्टिसिपेट्स इन बॉन्डिंग इन बॉन्ड फॉर्मेशन, जो पार्टिसिपेट में बॉन्ड फॉर्मेशन क्या उसे बॉन्ड पेयर के, एक होता लोन पेयर इसे हम बोलते हैं निर्जन जोड़ी है ना, वह एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो क्या करता है बॉन्ड बनाने पार्टिसिपेट नहीं करता। तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच डजेंट पार्टिसिपेट इन इन केमिकल बॉन्ड, जो बॉन्ड बनाने पार्टिसिपेट नहीं करेगा उसे हम लोन पेयर कह देंगे। अच्छा इसके अलावा इसमें हमको पढ़ना है कोवेलेंसी, जैसे हमने वहां पर इलेक्ट्रोवेलेंसी पढ़ा था ऐसा ही यहां पर क्या पढ़ेंगे कोवेलेंसी। कोवेलेंसी क्या होती है, जितने इलेक्ट्रॉन अगर क्या किया जितने भी एक एटम का वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर रहा है उसे बोलते हैं कोवेलेंसी है ना। तो यहां पर नाइट्रोजन को देखो, नाइट्रोजन का कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर रहा है 3, यहां से देखो 1, 2, 3 है तो 5 इलेक्ट्रॉन इसके पास, लेकिन 3 ही ने बॉन्ड बनाया है, इसका कोवेलेंसी कितना होगा इसका 3। यहां पर फ्लोरीन को देखो है तो 7 इलेक्ट्रॉन इसके पास, लेकिन एक ही ने बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट किया, इसकी कोवेलेंसी कितना होगा 1। तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करेंगे वो उसका कोवेलेंसी कहा जाएगा है ना। तो यहां से हम देख सकते हैं इसमें क्या कोवेलेंसी, कोवेलेंसी क्या होता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन
पार्टिसिपेट इन फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, उसे क्या बोलते हैं कोवेलेंस। जैसे नाइट्रोजन का कोवेलेंसी कितना था, 3 एटम ने बनाया था। फ्लोरीन का भी देखा तुमने कितना आया, 1। क्लोरीन का भी देखोगे तो कितना आएगा कोवेलेंसी, 1 आएगा। अगर ऑक्सीजन की बात करें तो जैसे अगर मान लो CO2 बनाते हैं तो कार्बन के बाहर में 4 इलेक्ट्रॉन है, ऐसा देखो CO2 बनाते हैं, कार्बन कितने में 6 में ना, तो 2-4 हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। ऑक्सीजन कितने में 8 में, तो 2-6 बाहर में 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो 2-4 और ये 6, यहाँ पर भी 2-4 और 6 हो गया। तो यहाँ से देखो ये बनाएगा इसके बीच में बॉन्ड, यहाँ से बनाएगा इसके बीच में बॉन्ड, तो CO2 इस तरीके से बन जाते हैं। तो यहाँ पर एक कार्बन का देखो तो 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाए फास्फेट के, है ना। तो कार्बन का कोवेलेंसी कितना हो जाएगा, कोवेलेंसी ऑफ कार्बन 4 हो जाएगा, है ना। और कोवेलेंसी ऑफ ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन कितना हो गया इसका, 2। देखो है तो 6 इलेक्ट्रॉन, लेकिन 2 ही इलेक्ट्रॉन इसमें क्या कर रहा है, बॉन्ड बना रहा है, इसकी कोवेलेंसी कितना हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो समझ में आया, इलेक्ट्रोवेलेंसी हम कहते हैं क्या, जितना इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन करता है उसे इलेक्ट्रोवेलेंसी कहते हैं, और जितने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में शेयर होता है उसे कोवेलेंसी कह देते हैं, है ना। तो यहाँ से देखेंगे आगे समझ में। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा, कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है ना कि सर ये डायरेक्शनल होते हैं, इसमें डायरेक्शन आती है। तो यहां से देखोगे कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर कैरेक्टरिस्टिक्स में देखें तो यहां पर क्या होता है कि ये डायरेक्शनल होता है, ये शेयर करता, तो जिधर इलेक्ट्रॉन रहेगा उधर ही शेयर करेगा। अगर ये कैरेक्टरिस्टिक होता है, कैरेक्टरिस्टिक में डायरेक्शनल होता है, तो जनरली ये एमोर्फस इन सॉलिड होता है, एमोर्फस स्ट्रक्चर होता है, और एमोर्फस स्ट्रक्चर होता है। अच्छा, कुछ चीज़ों को छोड़ देना, है ना, कुछ चीज़ों को छोड़ देना जहाँ पर ये क्या होता है क्रिस्टलाइन फॉर्म में रहता है, कोवेलेंट क्रिस्टल फॉर्म में रहता है, जो क्या होता है तुम्हारा डायमंड, डायमंड में तो कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं ना, टेंशन पर डायमंड, ग्रेफाइट, फॉस्फोरस, P4 जो लिखता है ना फॉस्फोरस में, इसको P4 लिखा जाता है। ऐसा जनरली देखा जाए तो ये बैड कंडक्टर ऑफ मेटिसिटी होता है, एक्सेप्ट ग्रेफाइट, है ना, बैड कंडक्टर ऑफ मेटिसिटी या इंस्ट्रूमेटर ऑफ मेटिसिटी लिख सकते हो, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, या इसी को क्या हम बोलते हैं, और इसमें एक्सेप्ट कौन होता है तुम्हारा, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट एक क्या है कंडक्टर ऑफ मेटिसिटी है, बाकी सारे तुम्हारे क्या होते हैं बैड कंडक्टर होते हैं। अच्छा, इसमें तुम्हारे पास क्या होता है, ये जनरली लिक्विड स्टेट या गैसेस स्टेट में इसके कंपाउंड मिलते हैं, तो कोवेलेंट कंपाउंड, है ना, कोवेलेंट कंपाउंड इज यूजुअली क्या होता है, कोवेलेंट कंपाउंड इज यूजुअली लिक्विड या गैसेस स्टेट में प्रेजेंट, इन लिक्विड एंड गैसेस स्टेट प्रेजेंट। इसकी जो बॉन्ड होती है वो आयनिक के रिस्पेक्ट में क्या होता है, थोड़ा वीक होता है, तो वीकर बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं आयनिक में ज्यादा, क्योंकि आयनिक में क्या बना था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसमें कोई चार्ज बने नहीं है, इसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम नहीं करेगा, इसके कारण से क्या होगा कि ज्यादा स्ट्रांग नहीं बन पाएगा, है ना। तो वीकर बॉन्ड देन आयनिक बॉन्ड, बीकर बॉन्ड देन आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड के रिस्पेक्ट में क्या होगा, ये बीकर बनेगा, कमजोर बनेगा, और अगर कमजोर बना तो इसके क्या होंगे, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होंगे, तो लो एमपी एंड बीपी, लो एमपी एंड बीपी देन आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड के रिस्पेक्ट में इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। तो यहां से हम देख रहे हैं क्या, मेरे पास
सर दो तरीके की बॉन्ड पर हमने थोड़ा सा बात की है, इंट्रोडक्शन के रूप में इसको रखोगे, है ना। अभी हमने इंट्रोडक्शन दिया इसमें कि क्या होता है बॉन्ड, बॉन्ड कैसे बनते हैं, बॉन्ड का बनने का कारण क्या होता है ना, बॉन्ड कितने टाइप्स के होते हैं, जिसपे हमने दो बॉन्ड पे आज डिस्कस किए, एक आयनिक बॉन्ड और एक कोवेलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट डे हम इससे आगे बातें करेंगे और इससे रिलेटेड बातें करेंगे, जिसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बातें होगा, मुइस एसिड मुइस बेस पे बात करेंगे, और फिर हम लोग इस टॉपिक का जो सबसे बड़े धीर है वह है हाइब्रिडाइजेशन और वीवीटी, है ना, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, तो हम उस पर डिस्कस करेंगे। तो अगर आप इस सिक्वेंस बना करके रखोगे, अगर हर एक टॉपिक का सिक्वेंस बना करके अगर पढ़ते हो तो टॉपिक बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ठीक है, रहने देते हैं यहाँ तक, नेक्स्ट डिस्कस।